हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी को। चलिए, की क्लास का समय हो गया है, आप लोग जुड़ जाइए, आ जाइए। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। वॉइस आ रही है मेरी? चेक करिए एक बार सभी साथ। ये जो समय है ये आपके विज्ञान का लाइव है। इस टाइम आपको डेली साइंस का लाइव क्लास करवाते हैं, आज भी करवाएंगे। 9 बज चुका है, 9 बजे जनरल साइंस का क्लास होता है डेली। तो चलो फिर शुरू करते हैं क्लास को, देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन से डायरेक्टली। आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए क्लास को, और अगर कोई साथी पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे, पहली बार आए हैं, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ठीक है। चलो ध्यान दीजिए, पहली क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रही है, ठीक है। अमित ठाकुर, शिवानी पांडे जी, सोना गुप्ता, सत्येंद्र, ईश्वरदीन, सौरभ गुप्ता, आनंद मोहन गुप्ता जी, ईश्वरदीन जी, दिनेश बिन जी, श्याम म्यूजिक क्लब, बिल्कुल ठीक है। मनोज कुमार जी, संध्या देवी जी, ये रही स्क्रीन पर पहले क्वेश्चन, ध्यान दीजिए भाई। वह पशु जो फेरोमोन का उपयोग करने के लिए जाने जाते हैं, तो बताइए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वह पशु जो फेरोमोन का प्रयोग करने के लिए या उपयोग करने के लिए जाने जाते हैं, बताइए। नेहा चौधरी, संध्या, बिट्टू गुप्ता जी, ओमवीर सिंह आर्या, हेलो वेलकम, आंसर करिए। देखिए करेक्ट आंसर अब क्या जाएगा साथियों, सभी साथी ध्यान से देखो अब करेक्ट आंसर क्या है। वह पशु जो फेरोमोन का उपयोग करने के लिए जाने जाते हैं, याद रखिए चींटियां, आंट्स, चींटी करेक्ट आ गया, चींटी, आप सभी देख लीजिए यहाँ, चींटी करेक्ट आंसर आएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आ गया यहाँ, चींटी करेक्ट है, चींटी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, आयरन लो तत्व की कमी के कारण इनमें से कौन सी बीमारी होती है, बताइए। तो देख लीजिए राइट आंसर क्या जाएगा, आयरन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। वेरी नाइस, ध्यान दीजिए, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा इस क्वेश्चन के लिए भाई, सभी ध्यान दीजिए, तो एनीमिया, जिसको खून की कमी होती है, इस बीमारी में क्या होती है, खून की कमी, जो आयरन की कमी के कारण होता है। एक्सलेंट तैयारी, वेरी गुड, आप सभी को यहाँ याद रखनी है। आगे रूटाइल इनमें से किसका एक अयस्क अथवा खनिज है, साथियों देखिए रूटाइल का अयस्क अथवा खनिज है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 अब करेक्ट आंसर क्या है, रूटाइल किसका अयस्क अथवा खनिज है। एक्सलेंट तैयारी, वेरी गुड, अब सभी साथी ध्यान दीजिए, रूटाइल इनमें से अयस्क अथवा खनिज है, तो जरूर आपको याद रखनी है, देख लो टाइटेनियम का, टाइटेनियम करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी टाइटेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली किसके द्वारा निर्मित होता है भाई, ध्यान दीजिए प्लाज्मा झिल्ली किसके द्वारा निर्मित होता है, अब ध्यान से देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बताइए प्लाज्मा झिल्ली किसके कारण निर्मित होता है। एक्सलेंट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप सभी साथी ध्यान दीजिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली किसके कारण होता है, तो याद रखिए ऑल ऑफ द अबव, देखो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, उपरोक्त सभी के कारण, याद रखिए किसके द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सेस्मोग्राफ किससे संबंधित है, बताइए सेस्मोग्राफ किससे संबंधित है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5, सेस्मोग्राफ का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 5 अब ध्यान दीजिए राइट आंसर क्या आएगा, सेस्मोग्राफ किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए राइट आंसर क्या आएगा, तो बताइए भाई सेस्मोग्राफ किससे संबंधित है, तो क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, तो भूकंप से, भूकंप करेक्ट आएगा, भूकंप, सेस्मोग्राफ किससे संबंधित है, तो भूकंप से, भूकंप करेक्ट है, बी ऑप्शन नंबर करेक्ट आ जाएगा। स्क्लेराइट किसका एक अयस्क अथवा खनिज है, स्क्लेराइट किसका एक अयस्क अथवा खनिज है, ध्यान से देखिए स्क्लेराइट किसका अयस्क अथवा खनिज है, क्वेश्चन नंबर 6 अब राइट आंसर क्या है बताइए, स्क्लेराइट ये किसका एक अयस्क अथवा खनिज है, तो सभी साथी याद रखना जिंक का, जिंक यानी जस्ता, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पौधे में जड़ ग्रंथि होती है, निम्न में से कौन से पौधे में जड़ ग्रंथि होती है, देखो करेक्ट आंसर क्या आएगा, कौन से पौधे में जड़ ग्रंथि होती है, क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर क्या आएगा देख लीजिए, कौन से पौधे में जड़ ग्रंथि होती है, तो याद रखिए लेग्यूमिनस प्लांट, याद रखिए पैरानिक पौधे जिसको आप बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट, ए करेक्ट आ जाएगा। एक्सलेंट, वेरी गुड, आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को जरूर लाइक कर दीजिए, जिन्होंने अभी तक क्लास लाइक नहीं करा है
सभी साथी मिलकर क्लास लाइक करिए, शेयर करिए, और नए साथी लोग अगर कोई भी हैं क्लास में तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, पौधों को मुख्य रूप से अपने पोषक तत्व किससे प्राप्त होते हैं बताइए। पौधों को मुख्य रूप से अपने पोषक तत्व किससे प्राप्त होते हैं? अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए करेक्ट आंसर क्या है। पौधों को मुख्य रूप से अपने पोषक तत्व किससे प्राप्त होते हैं? तो याद रखिए, मिट्टी से, सोयल। मिट्टी राइट आएगा, मिट्टी ऑप्शन नंबर डी, सोयल। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण कुछ किसके द्वारा किया जाता है? बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स। अब की बार एग्जाम पार, अब की बार रेलवे पार करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए एग्जाम निकालना है ना। बताइए, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण कुछ जो है जीवाणुओं के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। तो बैक्टीरिया यहाँ करेक्ट आ गया, जीवाणु। याद रखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीन बनाने के लिए है? इनमें से किसका प्रयोग जीन बनाने में किया जाता है? देखो, सभी जीन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? आप सभी साथी देख लीजिए, अब करेक्ट आंसर यहाँ किया जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। याद रखिए भाई, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? तो याद रखिए, आप सभी साथी देख लो, राइट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? तो पॉलीन्यूक्लोटाइड यहाँ करेक्ट आ गया, ए ऑप्शन नंबर, पॉलीन्यूक्लोटाइड करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पानी में अम्लीय समाधान बिजली का संचालन करते हैं, उत्पन्न करते हैं क्या? बताइए, पानी में अम्लीय समाधान बिजली का संचालन, क्योंकि वे क्या उत्पादन करते हैं? अब देख लो करेक्ट आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 11, तो बता दीजिए सभी साथी, देख लेना। तो पानी में अम्लीय समाधान बिजली का संचालन करते हैं क्या? तो हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? बताइए, प्रकाश संश्लेषण में पौधे के द्वारा निम्न में से कौन सी गैस है जो उपयोग की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दीजिए सभी, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? प्रकाश संश्लेषण में पौधे के द्वारा निम्न से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आ जाएगा, बी ऑप्शन नंबर। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो याद रखिए, करेक्ट आंसर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन नंबर करेक्ट आ गया। देखो, ब्लास्ट फॉर्नेस में आयरन ऑक्साइड द्वारा कम किया जाता है क्या? देखिए, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ब्लास्ट फॉर्नेस में आयरन ऑक्साइड के द्वारा क्या कम किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए राइट आंसर क्या आ जाएगा तो इस क्वेश्चन के लिए बताइए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया यहाँ। ब्लास्ट फॉर्नेस में आयरन ऑक्साइड द्वारा क्या कम किया जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ करेक्ट है। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के बिखरने के प्रयोग की खोज किसके परिणाम स्वरूप हुई थी? तो रदरफोर्ड के अल्फा कणों के बिखरने के प्रयोग की खोज किसके परिणाम स्वरूप हुई? ध्यान दीजिए सभी, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के बिखरने के प्रयोग की खोज किसके परिणाम स्वरूप हुई? तो याद रखिए, न्यूक्लियस इन द एटम, यानी परमाणु में नाभिक के, ठीक है। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के बिखरने के प्रयोग की खोज किसके परिणाम स्वरूप हुई थी? तो न्यूक्लियस इन द प्रोटॉन, परमाणु में नाभिक में, परमाणु में नाभिक, ठीक है, परमाणु में के अंदर नाभिक, इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी ना, इसी खोज के दौरान, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एल्काइन जाति श्रृंखला का पहला सदस्य है? ध्यान दीजिए, एक्सलेंट तैयारी। निम्नलिखित में से कौन एल्काइन जाति श्रृंखला का पहला सदस्य है? राम अवतार, पिंकी, राहुल कुमार, मंजू गुप्ता जी, आंसर करिए प्लीज। आप लोग लाइव चैट से बाहर निकलिए, क्लास को लाइक कर दीजिए यार, इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। लाइव चैट से बाहर निकलिए, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर अब क्या है देख लेना सभी। तो निम्नलिखित में से कौन एल्काइन जाति श्रृंखला का पहला सदस्य है? तो एथेन, एथेन करेक्ट आ गया, सी ऑप्शन नंबर करेक्ट है, एथेन। आप सभी याद रखिए, एथेन करेक्ट आंसर आ जाएगा, सभी साथी याद रखिए, एथेन करेक्ट है, एथेन को। निम्न में से कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? बताइए भाई, कौन सा रोग है जो मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है?
बताइए। देखिए यहाँ करेक्ट आंसर अब क्या होना चाहिए, कोशिश करिए सभी साथी, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखना ल्यूकेमिया, ए करेक्ट आएगा ल्यूकेमिया। सभी साथी, निम्न में से कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? याद रखिए आप सभी, ल्यूकेमिया करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, ल्यूकेमिया करेक्ट आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन नंबर करेक्ट है। देखो, तापीय ऊर्जा संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है? देखिए, तापीय ऊर्जा संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है? साथियों, लाइव चैट से बाहर निकलिए, क्लास लाइक करिए जिन्होंने अभी तक नहीं करा है, और पहली बार जितने साथी विजिट कर रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो रासायनिक ऊर्जा करेक्ट आएगा केमिकल एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। तापीय ऊर्जा संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है? तो केमिकल एनर्जी करेक्ट आएगा, रासायनिक ऊर्जा। इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? इनमें से कौन एक रक्त समूह नहीं है बताइए। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए भी होता है, ए बी होता है, ओ होता है, सी होता है। आज तक सुना है कि किसी का ब्लड ग्रुप सी है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, सी ब्लड ग्रुप नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। आगे देखिए, ध्वनि तरंग की घाटी, ठीक है, ध्वनि तरंग की घाटी में देखो सबसे निचला भाग को क्या कहा जाता है? ध्वनि तरंग की घाटी में सबसे निचला भाग को क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिए सभी, एक्सलेंट, अब की बार एग्जाम पर चाहे कुछ भी हो जाए एग्जाम निकालना है, और इतना इस बार करोगे मुझे पूरा भरोसा है। तो ध्यान दीजिए, करेक्ट आंसर आ जाएगा गर्त, गर्त करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि तरंग की घाटी सबसे निचले भाग को क्या कहा जाता है? तो गर्त, ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति चालक का लक्षण क्या होता है? साथियों, अति चालकता का लक्षण क्या होता है बताना, क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, अति चालक का लक्षण क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, अति चालक का लक्षण क्या है? तो उच्च पारगम्यता, ए राइट आंसर आ जाएगा, उच्च पारगम्यता। आप सभी याद रखिए, अति चालक का लक्षण क्या है? तो उच्च पारगम्यता, ए राइट आंसर आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी लिम वाटर दुधिया हो जाती है? भाई कौन सी लिम वाटर दुधिया हो जाती है भाई, बताइए सभी, करेक्ट आंसर क्या आएगा? देख लो, एक्सलेंट, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स। बस आप लोग लाइव चैट से बाहर निकल कर क्लास लाइक कर दीजिए साथियों जिन्होंने नहीं करा है। तो देखो, करेक्ट आंसर क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी लिम वाटर दुधिया हो जाती है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सलेंट, वेरी गुड। देखिए आगे, अगली क्वेश्चन, एक रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान परमाणु संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान परमाणु संख्या क्या होती है बताइए, एक रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान परमाणु संख्या क्या होती है? बदलती है, काहे बदलेगी, वही रहेगा, रिमेन द सेम, या देखो वही रहता है, बिल्कुल सेम रहता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। एक रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान परमाणु संख्या वही रहता है, ए करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। आगे देखिए, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत किसको माना जाता है? खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 देख लो। तो खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत किसे माना जाता है? ध्यान दीजिए सभी, क्वेश्चन नंबर 23 करेक्ट आंसर क्या है? एक्सेलेंट तैयारी, वेरी गुड। खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत किसे माना जाता है? तो ध्यान देना, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, विटामिन सी को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, विटामिन सी। एस्कॉर्बिक अम्ल को खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। अच्छा, अगर कोई भी साथी आज क्लास में नए आए हैं, आप लोग पहली बार, तो लाइव चैट से बाहर निकलिए, देखिए लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखेगा, उसको क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बगल में एक घंटी का आइकॉन दिखेगा, बेल आइकॉन, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, आपको सारे क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। और यार सभी लाइक कर दीजिए क्लास को। देखो, पृथ्वी पर लगभग सभी ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है बताइए? पृथ्वी पर लगभग सभी ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? याद रखना, पृथ्वी पर लगभग सभी ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सन, याद रखिए, सूर्य।
डी ऑप्शन नंबर करेक्ट आ गया। पृथ्वी पर सब लगभग सभी ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो सूर्य करेक्ट आएगा, सन याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जीव संक्रामक रोगों का कारण बनते हैं? कौन सी जीव है जो संक्रामक रोगों का कारण बनते हैं, बताइए? अब ध्यान दीजिए, कौन सी जीव है जो संक्रामक रोगों का कारण बनते हैं? अब राइट आंसर क्या आ जाएगा सभी देख लीजिए, कौन सी जीव है जो संक्रामक रोगों का कारण बनता है? तो याद रखिए सभी, देखो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, या ऑल ऑफ द ऑप्शन सर करेक्ट आंसर। देखो प्रोटोजोआ, कीड़े और वायरस, सभी विकल्प सही है, ठीक है, याद रखिए सभी विकल्प सही है, ऑल ऑफ द एबव करेक्ट आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन नंबर करेक्ट आ गया यहाँ। तो एक्सेलेंट तैयारी सभी साथी, जरूर याद रखिए यहाँ, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी साथियों को यहाँ याद रखनी है, वेरी गुड। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगली क्वेश्चन आपका क्या आ जाएगा, अब अगला क्वेश्चन क्या है इस क्वेश्चन के लिए, तो देख लीजिए सभी। निम्नलिखित में से कौन एक जल जनित रोग है? तो साथियों बताइए, निम्नलिखित में से कौन एक जल जनित रोग है? तो भाई बताइए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है? तो देख लीजिए यहाँ करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है? एक्सलेंट तैयारी, वेरी गुड। देख लो इनमें से जल जनित रोग तो हेजा ही मुझे दिख रहा है, कलेरा, हेजा करेक्ट आएगा, हेजा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, हेजा याद रखिए। इनमें से कौन सा एक जल जनित रोग है? तो हेजा करेक्ट आ गया, कलेरा जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विषम मिश्रण जिसमें विलय कण विघटित नहीं होते हैं लेकिन माध्यम के पूरे बल्क में निलंबित रहते हैं। प्लीज क्लास को लाइक करिए ना साथियों, प्लीज आप लोग एक लाइक करते हैं उसी से हमें मोटिवेशन मिलती है। यार कितना टाइम लगेगा, सभी लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले और आप क्लास में आकर पढ़ाई कर पाएंगे। बताइए तो ध्यान दीजिए, एक विषम मिश्रण जिसमें विलय कण विघटित नहीं होते हैं लेकिन माध्यम के पूरे बल्क में निलंबित रहते हैं, उसको निलंबन बोलते हैं, सस्पेंशन जिसको आप बोलते हैं, सस्पेंशन यानी निलंबन, बी करेक्ट आ जाएगा। आगे हीलियम की परमाणु क्या है, बताइए हीलियम की परमाणु क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 29, देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या 2 होता है, ठीक है, बताइए हीलियम की परमाणु क्या है? अब देखो राइट आंसर क्या आएगा, तो हीलियम की परमाणु होती है मोनो परमाणु यानी मोनो एटॉमिक, ए करेक्ट आ गया, मोनो परमाणु, मोनो एटॉमिक, वेरी गुड, ए करेक्ट है, जरूर याद रखिए। हीलियम की परमाणु क्या होती है? तो मोनो परमाणु यानी मोनो एटॉमिक। एक्सलेंट तैयारी, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स, आप सभी साथ याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रही स्क्रीन पर आपकी अगली क्वेश्चन, भाई प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 30, ध्यान दीजिए, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स, वेरी गुड, क्लास लाइक करिए, आप लोग लाइव चैट से थोड़ी देर के लिए बाहर निकलिए, लाइक कर दीजिए। अगर कोई साथी क्लास में नए हैं तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। देखिए प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? 6.63 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ गया यहाँ, जरूर आप सभी को याद रखनी है, देख लीजिए। एक्सलेंट, वेरी गुड, तो सभी को जरूर याद रखनी है, यहाँ देख लो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो अगली क्वेश्चन क्या आ जाएगा साथियों, ध्यान दीजिए भाई सभी, अगली क्वेश्चन क्या है ये रही स्क्रीन पर आप सभी ध्यान से। एस्पिरिन, देखो एस्पिरिन दवाई है किसकी, एस्पिरिन किसकी दवाई है? क्वेश्चन नंबर 31, बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास हो रही है, सुपर फास्ट क्लास करवा रहे हैं, बताइए एस्पिरिन दवाई है, किसकी दवाई है एस्पिरिन, किस बीमारी में प्रयोग किया जाता है एस्पिरिन का? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सभी देखिए, प्रतीक जी, विकास, विवेक, सोना जी, प्रीति, बिल्कुल मंजू करेक्ट आ रहा है, प्रतिजैविक बी करेक्ट आएगा, प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक जिसको आप बोलते हैं, एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक करेक्ट आएगा, एम्पिसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है, याद रखना, प्रतिजैविक जिसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है?
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। एक्सलेंट, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स। अब की बार एग्जाम पर बताइए, पारा में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है साथियों, ध्यान दीजिए। एक्सलेंट तैयारी। तो देखो, पारा में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है, तो 1450 मीटर पर सेकंड, 1450 मीटर पर सेकंड एक करेक्ट आएगा। 332 कहाँ से आएगा, 332 एयर में होता है, वायु में। 332 ध्वनि की चाल वायु में, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड। यहाँ पारा में पूछा है, मरकरी में, पारा में HG, तो पारा में ध्वनि की चाल होती है 1450 मीटर पर सेकंड, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, खमीर कच्छ से शक्कर के उफान से कौन सी गैस निकलती है। देखिए करेक्ट आंसर लाइक कर दिया सभी ने, नहीं किया है, यही तो है ना यार। आप लोग लाइव चैट से बाहर निकल कर एक क्लिक तो कर सकते हो ना यार थंब बटन पे, कितना टाइम लग जाएगा बताओ। अगर लाइव चैट से निकल कर थोड़ा सा लाइक कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका कुछ भी नहीं जाता है, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है आपके एक लाइक को देखकर। तो यार कर दिया करिए आप लोग। और अगर कोई भी साथी क्लास में पहली बार आए हैं तो डेली पढ़ाते हैं, सवेरे से लेकर रात तक बैक टू बैक क्लासेस। नौकरी चाहिए, एग्जाम निकालना है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, और प्लीज सभी लाइक कर दीजिए। देखो, खमीर कच्छ से शक्कर के उफान से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, CO2, जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। एक कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आ जाएगा, याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ गया। एक्सलेंट तैयारी। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है, जिस तरह मशरूम, मशरूम को खाया जाता है लेकिन मशरूम कवक श्रेणी में होता है, मशरूम खाने वाला कवक होता है, उसी तरह मशरूम के अलावा इनमें से कौन सा कवक है जो खाने योग्य है, बताइए। मशरूम को खाते हैं ना हम, वो कवक श्रेणी का होता है, फिर भी उसी तरह इनमें से कौन सा खाने योग्य कवक है। देखो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, एगेरिकस। नहीं पता था, कोई नहीं, सीखने के लिए ही पढ़ रहे हैं ना। देखिए एगेरिकस करेक्ट आएगा, गलत होता है होने दीजिए, बस सीखने के बाद दोबारा गलत मत करना। एगेरिकस करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी, आप सभी साथी याद रखिए कौन सा खाने योग्य कवक है, तो एगेरिकस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। अच्छा, आपने लैंप देखा है ना, लालटेन लैंप, तो लैंप की बत्ती में ऊपर तेल चढ़ता है, क्यों, क्योंकि देखो एक फीता होता है कपड़ा का, नीचे टैंक रहता है लैंप का, जहाँ पर तेल रहता है और बत्ती यहाँ पर जलता है, ठीक है। तो ये टैंक से जो तेल इस फीता से ऊपर जाता है वो किसके कारण जाता है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है, यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बताइए सभी। एक्सलेंट तैयारी। आशुतोष यादव, राधिका, किलर बॉय, बिल्कुल कैपिलरी क्रिया के कारण, जिसको केशिकत्व क्रिया भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कैपिलरी बोलते हैं, कैपिलरी क्रिया के कारण, याद रखिए, या तो केशिकत्व क्रिया, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्या पूछ रहे हो एलेक्स जॉन जी। सर, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, बता देते हैं। देखो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, यही होता है ना। इसको दो तरह से पढ़ सकते हैं हम, एक तो इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं ना आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या तो इसको आप कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी पढ़ सकते हैं, या तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है एलेक्स जॉन जी, क्लियर है। चलिए आगे देखो, क्यूसेक से क्या मापा जाता है, क्वेश्चन नंबर 36, ध्यान दीजिए राइट आंसर क्या जाएगा। एक्सलेंट तैयारी, अद्भुत। अब की बार एग्जाम पार, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट आ रहा है, इस बार तोड़ फोड़ के रख देना, चीर फाड़ के रख देना, एग्जाम निकालना है मतलब निकालना है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, बताइए। अब देखिए करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सभी साथी देख लो, तो क्यूसेक से क्या मापा जाता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए एलेक्स जॉन जी वेलकम। देखो करेक्ट आंसर, क्यूसेक से जल के बहाव को माप सकते हैं हम, याद रखना जल के बहाव को, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो जल का बहाव। एक्सलेंट, वेरी गुड। बस आप लोगों ने लाइक नहीं किया साथियों, सभी साथी लाइक कर दीजिए, हमें भी मोटिवेशन मिलता है यार आपके लाइक्स को देखकर। देखो आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गतिकी के किस नियम से मिलता है, बताइए। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गतिकी की किस नियम से मिलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बताइए। एक्सलेंट, बहुत ही अच्छी तैयारी। देखिए आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से मिलता है साथियों, याद रखना प्रथम नियम से, क्या आंसर आ जाएगा, प्रथम नियम से।
वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा, देख लीजिए। प्रथम नियम करेक्ट आंसर है, एक्सेलेंट तैयारी, वेरी गुड। आप सभी साथी याद रखिए फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम से। तो यहाँ प्रथम नियम करेक्ट आंसर आ जाएगा, आप सभी साथियों को याद रखनी है, देख लीजिए प्रथम नियम से। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगली क्वेश्चन आपका क्या जाएगा, तैयारी स्क्रीन पर देखिए सभी। तो बताइए नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम क्या होता है, देख लीजिए करेक्ट आंसर क्या जाएगा। तो कोशिश करिए सभी साथी, करेक्ट आंसर क्या जाएगा, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम क्या होता है, आंसर करिए करेक्ट आंसर आपका क्या जाएगा, बताइए। एक्सलेंट तैयारी, वेरी गुड, देख लीजिए नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है, तो याद रखिए यूरेनियम, यूरेनियम करेक्ट आ जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो यूरेनियम का, यूरेनियम करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ गया। मोहम्मद जुबेर अली, अनुज पांडे जी, मंजू गुप्ता, सुभाष कुमार, राम अवतार रानी, जहिंद, पुष्पलता, किलर, मणिदास, करेक्ट आ गया यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फास्फोरस का सबसे स्थायी अपरूप कौन सा है, बताइए फास्फोरस का सबसे स्थायी अपरूप कौन सा है, ध्यान से देखिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, फास्फोरस का सबसे स्थायी अपरूप। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत ही अच्छी तैयारी। तो याद रखना फास्फोरस का सबसे स्थायी अपरूप होता है लाल फास्फोरस, बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर आ गया, लाल फास्फोरस, देख लीजिए फास्फोरस का सबसे स्थायी अपरूप कौन सा है, तो भाई लाल फास्फोरस करेक्ट आ गया, याद रखिए लाल फास्फोरस करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बताइए मॉर्फिन किससे निकाला जाता है, तो भाई देख लो मॉर्फिन को किससे निकाला जाता है, मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है, अब करेक्ट आंसर क्या जाएगा, यहाँ देखना सभी, मॉर्फिन किससे निकाला जाता है, मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है, तो याद रखिए जड़ से, जड़ करेक्ट आएगा, जड़ याद रखिए रूट, मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है, तो जड़ से, रूट्स करेक्ट आएगा, रूट याद रखना। क्वार्ट्ज किससे बनता है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 41, चलिए बताइए क्वार्ट्ज किससे बनता है साथियों, देखना करेक्ट आंसर अब क्या है, यहाँ बताइए क्वार्ट्ज किससे बनता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पुष्पलता, ज्योति, प्राची, प्रियांशी, निशु कुमारी, टिकेश साहू, संजय, पिंकी, ठीक है अंगर राज जी। नए साथी जितने हैं सभी ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया ना साथियों, जरूर कर लीजिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए नए साथी लोग। क्वार्ट्ज किससे बनता है, देखो कैल्शियम सिलिकेट से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा, कैल्शियम सिलिकेट याद रखिए, कैल्शियम सिलिकेट से क्वार्ट्ज बनता है, बी राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन, भारतीय कवक विज्ञान के प्रवर्तक कौन है, भारतीय कवक विज्ञान के प्रवर्तक कौन है, देख लो बिल्कुल ध्यान दीजिए राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो भारतीय कवक विज्ञान के प्रवर्तक कौन है, और लाइक सभी साथी कर देना, लाइव चैट से निकलते ही थम बटन दिखेगा उस पर क्लिक कर देना है। बताइए भारतीय कवक विज्ञान के प्रवर्तक कौन है, तो ईजे बटलर करेक्ट आएगा, देख लो ईजे बटलर, ए ऑप्शन नंबर करेक्ट आ जाएगा, यहाँ याद रखिए भारतीय कवक विज्ञान के प्रवर्तक कौन है, तो साथियों ईजे बटलर, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, भारतीय कवक विज्ञान के प्रवर्तक कौन है, तो ईजे बटलर, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देख लीजिए ईजे बटलर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए वस्तुओं को गर्म करने पर उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए सभी साथी ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 43, एक्सलेंट, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत ही अच्छी तैयारी अब की बार एग्जाम पर। तो वस्तुओं को गर्म करने पर उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अणुओं की चाल बढ़ जाती है, ए करेक्ट आएगा, वस्तुओं को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल जो है वो बढ़ जाएगी, बिल्कुल ए ऑप्शन नंबर करेक्ट आ जाएगा, बढ़ जाएगी याद रखिए। आगे देखिए, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है, बताइए जेरेंटोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है, बहुत खूब, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत ही अच्छी तैयारी साथियों, बताना जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, जेरेंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, सभी ध्यान से आराम से आंसर करिए। चलिए समय ले सकते हैं आप, समय ले लीजिए लेकिन करेक्ट बताना, देखो करेक्ट आंसर आएगा वृद्ध का, शिशु कहाँ से, शिशुओं का अध्ययन पेडियाट्रिक्स कहलाता है, जेरेंटोलॉजी में वृद्धों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, यार शिशुओं का अध्ययन तो पेडियाट्रिक्स आता है ना, यहाँ जेरेंटोलॉजी पूछा है तो वृद्ध व्यक्तियों का, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी वृद्ध यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा, आप सभी याद रखिए।
वृद्ध करेक्ट आएगा, वृद्ध याद रखिए बूढ़े व्यक्तियों का। आगे देखिए ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी क्या है, ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 45 ध्यान दीजिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी क्या है। देखिए ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच की योजक कड़ी कौन सी है, तो याद रखिए एसिटिल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ जाएगा एसिटिल, यहाँ करेक्ट है, वेरी गुड एक्सलेंट। इनमें से किसका उपयोग सर्किट को तोड़ने या इलेक्ट्रिक सर्किट को बंद करने के लिए किया जाता है, भाई इनमें से किसका उपयोग सर्किट को तोड़ने या इलेक्ट्रिक सर्किट को बंद करने के लिए किया जाता है बताइए, क्वेश्चन नंबर 46 आप सभी साथी ध्यान दीजिए, तो याद रखिए स्विच का ही प्रयोग करते हैं ना ऑन ऑफ करने के लिए, आपको फैन बंद करना है तो किसका प्रयोग करेंगे, स्विच का, स्विच करेक्ट आएगा बी ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर आ जाएगा, एक्सलेंट तैयारी वेरी गुड, स्विच करेक्ट आंसर आ गया। अभी तक सभी ने लाइक नहीं किया है क्लास को, साथियों एक साथ मिलकर सभी लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब कर लेना नए साथी लोग। बताइए गोलाकार दर्पण की अवधारणा क्या होती है, गोलाकार दर्पण की अवधारणा क्या है, अब देखिए बताइए क्वेश्चन नंबर 47 आराम से आंसर करिए, गोलाकार दर्पण की अवधारणा क्या होती है, तो याद रखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन, गोलाकार दर्पण की अवधारणा क्या है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आ गया। इनमें से कौन सा एक ट्रिस तत्व है, कौन सा एक ट्रिस तत्व है बताइए, तो इनमें से कौन सा एक ट्रिस तत्व है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 48 करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए देख लीजिए, एक्सलेंट बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स, ध्यान दीजिए करेक्ट आएगा मैग्नीज, मैग्नीज करेक्ट आएगा जो एक ट्रिस तत्व होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ जाएगा मैग्नीज, याद रखिए कौन सा एक ट्रिस तत्व है, तो मैग्नीज करेक्ट आ गया। यहाँ मोहरम अंसारी जी, विशाल राज, दीपू यादव, समीर कुमार, सुभाष अर्चना, सत्येंद्र, संदीप, वेरी गुड एक्सलेंट, मधुसा, रोशनी करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए कांसा का मिश्र धातु क्या होता है, कांसा किसके मिश्र धातु से बनता है, मणिदास ज्योति रजक जी, वेरी गुड रोली आंसर करिए, प्रदीप कमल, सुभाष कुमार, निशु कुमारी जी, राजेश भारद्वाज, एक्सलेंट बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स साथियों, देख लीजिए कांसा किसका मिश्र धातु होता है, तो याद रखना तांबा और टीन का, कॉपर और टीन, जिसमें कॉपर होता है 88% और टीन होता है 12%, याद रखना ठीक है, बिल्कुल याद रखिए सभी, तांबा और टीन का मिश्रण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ गया, कांसा किसके मिश्र धातु है, तो तांबा और टीन का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनते हैं या क्या बनाते हैं, एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, देखिए तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बताइए, एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, एक्सलेंट बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स, देख लीजिए करेक्ट आंसर क्या जाएगा। सभी क्लास शेयर करिए दोस्तों के साथ, नए साथी जितने भी हैं सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ठीक है। ध्यान दीजिए एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, ध्यान दीजिए करेक्ट आंसर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा यार, अणु बताइए, मॉलिक्यूल बताइए ठीक है, ए करेक्ट आएगा अणु, एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, तो भाई अणु, ए करेक्ट आंसर है। एक किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, एक किलोवाट कितने, देखो एक किलोवाट के बराबर शक्ति क्या होता है ये पूछा है बताइए, तो भाई एक किलोवाट के बराबर शक्ति क्या होता है देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 51 सभी साथी ध्यान दीजिए, एक किलोवाट के बराबर शक्ति क्या होती है, तब सभी साथी ध्यान देना, देखो 1000 वाट्स यानी डी करेक्ट आंसर आएगा, एक किलोवाट के बराबर शक्ति क्या होती है, 1000 वाट ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया। इन फूलों में से कौन सा का एक लता है, ये जो फूल है इनमें से कौन सा पर उगता है, फूल का पौधा लता होता है, देखिए ध्यान दीजिए राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
एक्सलेंट तैयारी साथियों, वेरी गुड। तो इन फूलों में से कौन सा पौधे एक लता है? तो याद रखिए, देखो चमेली, चमेली का जो फूल होता है जैस्मिन, उसका जो पौधा होता है वो लता होता है। याद रखिए, जैस्मिन करेक्ट आएगा यहाँ, जैस्मिन चमेली, ए राइट आंसर आ गया बिल्कुल, जैस्मिन यानी चमेली। आगे देखिए, गैस्ट्रिक जूस में मौजूदा एंजाइम कौन सा होता है? गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसमें कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? देखिए करेक्ट आंसर क्या आएगा बताइए, गैस्ट्रिक जूस में मौजूदा एंजाइम कौन सा होता है? अब ध्यान से देखिए करेक्ट आंसर क्या जाएगा बताइए। गैस्ट्रिक जूस में मौजूद एंजाइम क्या होता है? तो जरूर आपको याद रखनी है, सभी साथी ध्यान देंगे, तब भाई देख लीजिए, पेप्सिन बी करेक्ट आ जाएगा, पेप्सिन। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, गैस्ट्रिक जूस में मौजूद एंजाइम क्या होता है? तो पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा, पेप्सिन। याद रखिए, समूह 17 से संबंधित तत्वों को क्या कहा जाता है बताइए, समूह 17 से संबंधित तत्वों को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स, आप लोग सभी लाइक जरूर कर दीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं करा है, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। पहली बार जितने साथी विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो भाई बताइए करेक्ट आंसर क्या जाएगा यहाँ, देख लीजिए सभी साथी, अब इस क्वेश्चन के लिए अब करेक्ट आंसर क्या जाएगा यहाँ, समूह 17 से संबंधित तत्वों को क्या कहा जाता है? तो हेलोजन, हेलोजन करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हेलोजन, आप सभी को याद रखनी है, देख लीजिए हेलोजन यहाँ करेक्ट आएगा, हेलोजन, एक्सलेंट तैयारी, वेरी गुड, हेलोजन करेक्ट आ जाएगा। समूह 17 से संबंधित तत्वों को हेलोजन कहा जाता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 65, 65 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है, 65 क्वेश्चन है इस क्लास में, तो आप लोग पूरे क्लास को, ठीक है, बिल्कुल अटेंड करना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिए साथियों। ये जो क्वेश्चन है सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके डायरेक्ट पेपर में आता है, ठीक है। तो हेलोजन करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर किस पेड़ की टहनी का उपयोग दांतों को साफ करने के लिए किया जाता है? देखिए, आमतौर पर किस पेड़ की टहनी का उपयोग दांतों को साफ करने के लिए किया जाता है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 55 करेक्ट आंसर क्या है बताइए, आमतौर पर किस पेड़ की टहनी का उपयोग दांतों को साफ करने के लिए किया जाता है? तो अब करेक्ट आंसर क्या जाएगा सभी साथी ध्यान दीजिए, जरूर आप सभी साथियों को यहाँ याद रखनी है भाई, देख लो सभी, करेक्ट आंसर आपका क्या जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, एक्सलेंट तैयारी, वेरी नाइस, आप सभी साथियों को जरूर यहाँ ध्यान देना है। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या आएगा, आमतौर पर किस पेड़ की टहनी का उपयोग दांतों को साफ करने के लिए किया जाता है? तो नीम का, नीम का दातून देखा होगा आपने, ठीक है, बिल्कुल याद रखिए, नीम करेक्ट आंसर है यहाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ जाएगा, जरूर आपको याद रखनी है, नीम करेक्ट आंसर है, एक्सलेंट तैयारी, वेरी गुड साथियों, नीम करेक्ट आंसर आ जाएगा, तो आप सभी साथी याद रखिए नीम यहाँ करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगली क्वेश्चन क्या आ जाएगा, तो ये स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और एक निश्चित कमी वाले रोग में प्रशासित है? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आप बताइए, में से कौन सा पदार्थ समुद्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और एक निश्चित कमी वाले रोग में प्रशासित है? देखिए टोटल क्वेश्चन अब 65 क्वेश्चन है क्लास में, तो आप लोग सभी मिलकर लाइक कर दीजिए क्लास को, और नए साथी अगर कोई भी हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके चैनल बेल आइकन ऑन कर लेना। तो यहाँ याद रखिए, आयोडीन जो समुद्र में प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होता है और इससे बीमारी होती है ना आपकी, घेंघा होता है, थायराइड का भी प्रभाव होता है आयोडीन की वजह से, तो याद रखिए यहाँ आयोडीन करेक्ट आएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयोडीन ठोस के उच्चीकरण पर बनने वाले वाष्प का रंग क्या होता है? एक्सलेंट, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स, सभी अब लाइक करेंगे क्लास को, लाइव चैट से निकलिए, क्लास लाइक जरूर कर दीजिए, नए साथी अगर कोई भी है क्लास में तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन ऑन कर लेना। आयोडीन ठोस के उच्चीकरण पर बनने वाले वाष्प का रंग क्या होता है? तो बैंगनी, पर्पल कलर का होता है, बैंगनी रंग का, ए राइट आंसर आ जाएगा, बैंगनी, याद रखिए। आयोडीन ठोस के उच्चीकरण पर बनने वाले वाष्प का रंग क्या होता है? तो साथियों पर्पल यानी बैंगनी, ए करेक्ट आंसर आएगा, बैंगनी, याद रखिए सभी साथी, बैंगनी करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अच्छा, चींटी जब डंक मारती है तो उसके अम्ल, उसके देखो उस डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये बताइए,
चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ध्यान दीजिए सभी, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एक्सलेंट, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स। ध्यान दीजिए, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक एसिड पाया जाता है जब चींटी डंक मारती है, तो याद रखिए फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन एक औसत वयस्क मानव में लगभग 23 फीट लंबा होता है? तो निम्नलिखित में से कौन एक औसत वयस्क मानव में लगभग 23 फीट लंबा होता है? देखिए करेक्ट आंसर क्या आएगा। ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन एक औसत वयस्क मानव में लगभग 23 फीट लंबा होता है? तो याद रखिए स्मॉल इंटेस्टिन, यानी छोटी आंत, ठीक है, जहाँ पर भोजन का अवशोषण होता है, छोटी आंत, 5 से 6 मीटर ये लंबी होती है साथियों, 23 फीट लगभग आप मान के चलिए, 23 फीट छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टिन। करेक्ट आ गया, सी ऑप्शन नंबर करेक्ट है। यहाँ आगे देखिए, प्रशासन द्वारा मलेरिया को ठीक किया जा सकता है किससे? बताइए प्रशासन के द्वारा, किस प्रशासन के द्वारा मलेरिया को ठीक किया जा सकता है? आप सभी क्लास लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि केवल 5 क्वेश्चन बचा है, ओनली 5 क्वेश्चंस आर लेफ्ट इन दिस क्लास। सो प्लीज क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली क्लास कल सवेरे 8 बजे लगेगा आपका, करेंट अफेयर्स का तैयार रहना। तो प्रशासन द्वारा मलेरिया को ठीक किया जा सकता है क्विनिन के द्वारा, क्विनिन, डी करेक्ट आएगा, क्विनिन, याद रखिए। देखो नहीं पता था तो कोई नहीं, अभी आज के बाद याद रखना, क्विनिन के द्वारा, ठीक है, क्विनिन करेक्ट आ जाएगा। एक्सलेंट तैयारी, वेरी गुड। प्रशासन के द्वारा मलेरिया को ठीक किया जा सकता है किसके द्वारा? तो भाई क्विनिन के द्वारा, क्विनिन, क्विनिन करेक्ट आएगा, क्विनिन याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा, कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना रह सकता है? इनमें से कौन सा जीव है जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 61, बताइए। तो भाई कौन सा जीव है जो ऑक्सीजन के बिना रह सकता है, बताइए? सिनकोना की छाल से कुनेन निकाला जाता है, बिल्कुल। चलिए देखिए करेक्ट आंसर, कौन सा जीव है जो ऑक्सीजन के बिना रह सकता है? एक्सलेंट, चलिए बहुत अच्छा जा रहे हैं, लेकिन गलत हो रहा है, काफी साथियों का गलत आंसर आ रहा है। देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, देखो अनाएरोबे करेक्ट आएगा, अनाएरोबे, याद रखिए अनाएरोबे, यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कौन सा जीव है जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है? तो याद रखिए अनाएरोबे, बी करेक्ट आंसर आएगा, अनाएरोबे, याद रखिए। संध्या, सुरेंद्र, विजेंद्र, रोशनी, ऋषिपाल जी, मोहम्मद मुजाहिद खान, पंकज कुमार, ज्योति सिंह, ऋषिपाल जी, करेक्ट आ गया यहाँ ऑप्शन नंबर बी, याद रखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रही स्क्रीन पर साथियों, बताइए आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? भाई आवर्त सारणी में पहला तत्व, इस क्लास के बाद अगली क्लास कल सवेरे मॉर्निंग में 8 बजे, किसका क्लास? करेंट अफेयर्स का, तैयार रहना सभी। नए साथी जितने भी आज आए हैं जो विजिट कर रहे हैं पहली बार क्लास को, वो सभी साथी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, तभी आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी साथियों, ठीक है। सभी साथी जरूर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन करेक्ट आएगा, हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व होता है, इसका परमाणु संख्या 1 होता है, क्योंकि इसकी प्रोटॉन की संख्या 1 होता है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी, हाइड्रोजन को आवारा तत्व बोला जाता है, आवारा तत्व, ठीक है, रसायन में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है हाइड्रोजन को, याद रखना सभी साथी, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा, एक्सलेंट, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा, निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग, देखो निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जाता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 63, सभी साथी ध्यान दीजिए, एक्सलेंट, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत ही अच्छी तैयारी। अब की बार एग्जाम पर यार लगभग 450 साथी लोग लाइव हैं, आप लोग लाइक करिए यार क्लास को सभी मिलकर, कितना टाइम लगेगा, देखो केवल 350 साथियों ने लाइक करा है, जबकि लगभग 450 साथी लोग लाइव हैं यार, तो आप लोग सभी का लाइक्स होना चाहिए ना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है, आपको केवल एक लाइक करने बोलते हैं बस। तो किस ईंधन का उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जाता है? ध्यान दीजिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, अब क्वेश्चन नंबर 63 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, यूरेनियम, यूरेनियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में, याद रखना नाभिकीय
रिएक्टर में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखना है यूरेनियम का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया, यूरेनियम। जरूर आप सभी साथियों को याद रखनी है, एक्सलेंट तैयारी। इनमें से किस पौधे में बहुरंगीन पत्तियां होती है, भाई इनमें से किस पौधे में बहुरंगीन पत्तियां होती है, तो बताइए करेक्ट आंसर अब क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। एक्सलेंट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देख लो। इनमें से किस पौधे में बहुरंगीन पत्तियां होती है, एक्सलेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस पौधों में बहुरंगिया पत्तियां होती है, आंसर करिए। दुर्गेश कुमार, पुष्पलता, भोला, रोहित, संध्या, विशाल, राजजी, परवेश, तोमर, अनामिका जी, ठीक है। तो देखिए करेक्ट आंसर आएगा साथियों क्रोटोन, क्रोटिफिकेशन आएगा। साथियों टेक केयर, लव यू टू ऑल। साथ ही ख्याल रखिए, खूब अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करिए, ठीक है, बिल्कुल। कल मिलते हैं धमाकेदार क्लास के साथ, सवेरे 8 बजे आपका पहला क्लास लगेगा। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, लव यू टू ऑल। सभी साथी ख्याल रखना, खूब अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करिए। अभी आप लोग वीडियो को बिना लाइक किए हुए कोई मत जाना, सभी साथी लाइक शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, सवेरे 8 बजे करेंट अफेयर्स का पहला लाइव क्लास, सभी साथी सवेरे 8 बजे वेट करेंगे सभी का, ठीक है। सुरेंद्र जानेमन, संध्या देवी जी, सोना जी, दिनेश, टेक केयर साथियों, गुड नाइट। कल सवेरे 8 बजे पहला क्लास करेंट अफेयर्स का, तभी उससे पहले सभी मिलकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी साथी आज क्लास में पहली बार आए थे, सभी चैनल बफरिंग हो गया था क्या क्लास, मुझे तो लग रहा है कि शायद बफरिंग हो गया था, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अभी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, ठीक है। मिस्टर कुमार भाई जी, बिल्कुल सवेरे 8 बजे करेंट अफेयर्स का पहला लाइव क्लास, तो आ जाना सभी। मनीष जी, मनीष राणा, संध्या जी, सभी का, रोशनी जी, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। चलिए कल मिलते हैं सवेरे 8 बजे, अभी बिना लाइक किए हुए कोई मत जाना साथियों, क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है। बफरिंग हो गया था ना, अच्छा कोई बात नहीं, क्लास ख़त्म भी हो गई थी, कल मिलते हैं क्लास में। ख्याल रखिए, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, बिल्कुल थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो रोशनी जी, ख्याल रखिए आप लोग, टेक केयर, कल मिलते हैं सवेरे। चलिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, लव यू टू ऑल। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।